अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय उमर। आज जो वीडियो हम आपके लिए बनाना चाह रहे हैं वह देखें, अब जैसे टोटली लोग अब इन्वर्टर और एसीडीसी फैंस की तरफ चले गए। अच्छा, एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई जिद्दत है, रिमोट वाले फैंस है। तो अक्सर लोगों के, हम लोग जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ बना रहे हैं कि रिमोट कनेक्ट किस तरह से करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आपको पता है कि शायद हमारी पुरानी वीडियोस चली हैं, तो लोग उन वीडियोस से रिमोट कनेक्ट करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा, अक्सर लोग रिमोट कनेक्ट नहीं होते, फिर वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। तो डेली बेसिस पे 200-250 लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अब वो 200-250 लोगों के मैसेज आने के बाद हमने सोचा कि हम एक ऐसी डिटेल वीडियो बनाएं जो आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद हो कि आप हर फैन का पैर करने का तरीका का इस एक वीडियो में सीख सकें। और इसमें जो बारीकियाँ होती है, जो पंखों में बारीकियाँ होती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ देखें अलग अलग तरह के रिमोट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के पंखे होते हैं, सबका कनेक्ट करने का तरीकाकार अलग होता है। किसी में सेंसर होता है, किसी में आरएफ सर्किट होता है, किसी में वाईफाई से कनेक्ट होता है, किसी में ऑन ऑफ से कनेक्ट होता है, किसी में जो सेंसर कनेक्शन होता है, उसकी हम एक डिटेल वीडियो बनाना चाह रहे हैं। जैसे पुरानी वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है हमारा, कि देखें ये पहले हमने सबसे पहले फ़ैन का रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा की वीडियो बनाई थी, जिसके हमारे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 16 के व्यूज़ आए थे। अक्सर लोगों के रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहे थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो लोगों ने उस वीडियो से सीखा, फिर वो वीडियो देखते लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। उसके बाद GFC फैन की रिमोट कनेक्ट करने की वीडियो बनाई, जिसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 14 के व्यूज़ आए थे। उसके बाद टेमू फैन की 8.6 के व्यूज़, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फुक्सी फैन 6.9 के व्यूज़, और उसके बाद रॉयल फैन 6.4 के व्यूज़। अब ये सारी वीडियोज़ बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो व्यूज़ है, अभी लोग खाली वीडियोस देख नहीं रहे, अब अक्सर लोगों से ये वीडियोस देखने के बाद भी रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा। आज की वीडियो हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। अक्सर लोग रिमोट कनेक्ट करते हैं नए पंखों पे, अक्सर लोग ऐसे ही भी होते हैं जो रिमोट को जो है वो जब पंखे का सर्किट ख़राब हो जाता है तो भी वो रिमोट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ मसले मसाइल आते हैं, तो वो भी आज की वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। कोशिश करें वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें, जिसमें आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप रिमोट कनेक्ट करने का प्रॉपर जो इजी तरीका है, जो आसान तरीका है, अगर आपको कोई इशू होगा तो कोई चीज़ स्किप ना होगी, नहीं होगी, और आप अच्छे तरीके से आसानी से सीख सकेंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो खुर्शीद फैन है, GFC फैन है, और ये नॉर्मल पंखा है। अक्सर लोग नॉर्मल फैन लेते हैं, अक्सर लोग GFC लेते हैं, अक्सर लोग खुर्शीद लेते हैं। अच्छा, इन तीनों की सिमिलर टेक्नोलॉजीज है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज है जो अलग अलग ब्रांड के साथ जो है मैच होती है, जो आपको रिमोट से आप चेक कर सकेंगे। जैसे कुछ ब्रांड्स में जो है आप देख सकते हैं ये वाईफाई वाला सिस्टम दिया होता है, कुछ ब्रांड्स में ऑन ऑफ से कनेक्ट होता है। अच्छा, ये एक अलग रिमोट है, इसके अक्सर लोग परेशान होते हैं कि भाई ये रिमोट किस तरह से कनेक्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको खुर्शीद फैन से स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, खुर्शीद फैन अगर आपके पास है और आपके पास रिमोट है इस तरह का जिसमें वाईफाई का लोगो नहीं दिया हुआ, अच्छा सब चीज़ों को आप छोड़ दें, आप खाली खुर्शीद फैन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, और जो है खुर्शीद फैन का रिमोट कनेक्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको पहले गाइड करता हूँ। जिसमें जो रिमोट होता है वो ऑन ऑफ के स्विच होते हैं, जिससे रिमोट जो है हमारा कनेक्ट होता है। तो आप सबसे पहले आपने खुर्शीद फैन का ये सर्किट खोला, अब आप जब पेयरिंग कर रहे हैं, आपने जैसे वायर कनेक्ट करनी है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा कनेक्शन करने का तरीका था, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और जो है आप भाई देखिए, जैसे सबसे पहले आपने जब ये जैसे ये प्लग इन करेंगे, आप बटन ऑन करेंगे, ये सिंगल पीप पे फैन ऑन हुआ, आपने ऑफ का बटन दबा के रखा, डबल पीप पे हमारा रिमोट जो है कनेक्ट हो गया। अक्सर ऐसा होता है रिमोट से पंखा चलता नहीं है ऑन करने के बाद, पी कनेक्ट करने के बाद, तो आपने ऑन का बटन दबाना है। अभी ये देखें ये वर्किंग कर रहा है और ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है फैन आपका। ये जो फैन हमारा कनेक्ट हुआ, ये देखें ये ऑफ के बटन जो है, ये ऑफ के बटन से कनेक्ट हुआ है ये खुर्शीद वाला। अब आप आ जाएं दूसरे रिमोट की तरफ। अब देखें जैसे GFC का फैन का रिमोट है, अब GFC के फैन का रिमोट जो है उसमें ये देखें वाईफाई का लोगो बना हुआ होता है, इसको कनेक्ट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको वीडियो में गाइड करता हूँ। आखिरी में ये जो है ना, ये सबसे बड़ी मालूमात है, बहुत अहम चीज़ है जो आज हमने गाइड करनी है आपको वीडियो में। कोशिश करें मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए। अब देखें जैसे ही मैं फैन कनेक्ट करूँगा, ये देखें ये पीप की आवाज़ आई, ये वाईफाई का बटन दबा के रखा, डबल पीप हुआ और ये फ़ैन हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखें ये रिमोट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट वर्किंग कर रहा है इस पर, ये देखें इजीली कनेक्ट हो गया। अच्छा,
अब ये दोनों का आपने देख लिया, अब ये तीसरा जो फैन है इसके रिमोट में देखें, इसकी पेयरिंग नहीं होती। अक्सर लोग मुझे कहते हैं उमर भाई हमारा रिमोट जो है वो पेयरिंग नहीं हो रहा, तो भाई उसका तरीकाकार क्या होता है उसका भी मैं आपको तरीकाकार आज बताता हूँ। इसमें ये बहुत ज़रूरी बहुत अहम मालूम है और ये बहुत बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। देखिए जैसे कि अभी मैंने इसको निकाला, अरे जब आप ये फ़ैन खोलेंगे ना तो इसमें इस तरह का एक सेंसर होगा, ये देखें इस तरह का सेंसर होगा। अच्छा अक्सर लोग जब ये फ़ैन लगाते हैं फिटिंग करते हैं इंस्टॉलेशन करते हैं, इस फैन का जो है आपको एक बहुत बारीक सी चीज़ मैं बारीकी में बताता हूँ, जब आप इस फैन को बटन को ऑन करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है लोग ये सेंसर होता है, देखिए ये बहुत कीमती चीज़ है, आप कीमती मालूम आता है, आपने देखनी है तसल्ली से, ये सेंसर होता है। ये सेंसर जो होता है ये अक्सर लोग जब फिटिंग करते हैं ना तो ये होल में से बाहर नहीं निकालते, ये देखिए ये होल से। अब ये तो देखें रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये पूरे रूम में आपकी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चलती है, इसका इशू नहीं होता, लेकिन ये एक होता है सेंसर वाला रिमोट, इंफ्रारेड रेज वर्किंग करती है इसमें, और अक्सर ये सेंसर यहाँ से अंदर से निकल भी जाता है। अंदर से अगर निकला हुआ तो आपने इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको निकालना है, और उसके बाद आप जब इसको रिमोट को कनेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये रिमोट कनेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट पेयर होता है, ये डायरेक्ट पेयर होता है, इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप इस पंखे को आपने लगाया, ये आपका फ़ैन ऑन हुआ और ये देखिए ये डायरेक्ट वर्किंग करता है, इसमें आपकी पेयरिंग नहीं होती है। ये देखिए आप, ये देखें ये रिमोट हमारा, फैन हमारा चल रहा है, ये डायरेक्ट पेयरिंग होता है, इसमें ये सेंसर होता है, इसका आपने एहतियात करना है। बहुत कीमती मालूमात है जो आज की वीडियो में आपको दे रहे हैं, उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी, अगर नहीं देखी तो स्किप किए तो मुकम्मल वीडियो देख लें, ताकि आप भी परेशान ना हो और आपकी वजह से मैं भी परेशान ना हूँ। क्योंकि अक्सर कस्टमर जो है ना व्यूवर्स वो रात को 3 बजे भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, अब परेशानी होती है, हम भी दरगुजर करते हैं कि भाई पंखा बंद हो गया तो बंदा रात में नींद ही नहीं कर सकता, तो इसलिए हम भी गाइड करते थे, लेकिन आज रात को जो 3-4 कॉल आए तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि जो है सबकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे कोई ऐसी कीमती मालूमात के साथ। कोई ऐसी मालूमात आप उनसे हासिल करना चाह रहे हैं हमारे को हमारे चैनल पर आप कॉमेंट करके वीडियो के ऊपर कॉमेंट करके भी बता सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर उस पर मैंशन होता है हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई मालूमात का नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।